नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय इंग्लैंड में लिमिटेड ओवर की सीरीज खेल रही है। पहले T20I में ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक करारी हार का सामना भी करना पड़ा है। टीम बेहद मजबूत पोजीशन में थी, लेकिन लगातार विकेट गिरते चले गए और टीम महज 2 रन से पहला T20I मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी। टीम के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने एक शानदार छक्का जड़कर कुछ उम्मीद जगा दी थी, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम लंबे समय से एक अच्छे फिनिशर की तलाश कर रही है। कंगारू टीम धोनी की तरह एक फिनिशर चाहती है और टीम ने इसके लिए एक खिलाड़ी का चयन भी कर लिया है। टीम के उपकप्तान पैट कमिंस ने इस मामले पर अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है, टीम में वापसी करने वाले मार्कस स्टोइनिस को लंबे समय तक मौका दिया जा सकता है, ताकि वो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह फिनिशर के रूप में निखर सकें। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I मैच में स्टोइनिस 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन टीम 2 रन से हार गई। स्टोइनिस ने बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के लिए 705 रन बनाए थे। कमिंस ने कहा, MS धोनी जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, उसने 300 से ज़्यादा वनडे मैच खेले। हमें पता है रातों रात चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन हमें सभी खिलाड़ियों की भूमिका पता है और उन पर भरोसा जताना होगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच दर्शकों के बिना ऑस्ट्रेलिया का ये पहला मैच था और कमिंस ने कहा, ये बड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने कहा, प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन निश्चित तौर पर यह अजीब था। आपको बता दें, T20I सीरीज के बाद 11 सितंबर से वनडे सीरीज का आगाज होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।